साथियों, यदि बीमारी का कोई ना कोई डर आपको सताता रहता है, कोई ना कोई बीमारी आपके मन मस्तिष्क में चलती रहती है, आप डरते रहते हैं। अफसोस तब होता है तब आप इस डर की वजह से बहुत बार अपनी जांच भी कराते हैं, सभी रिपोर्ट्स या इन्वेस्टिगेशंस आपके ठीक आते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी आपका डर नहीं निकलता। तो इसका मतलब साफ है, आपने जाने अनजाने में, अज्ञानता में, सबकॉन्शियस लेवल पर अपनी रॉन्ग प्रोग्रामिंग की है। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप अपने डर को नहीं हटा पाएंगे। पहले समझते हैं कि किस तरह से दोस्तों आप अपनी रॉन्ग या नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं बीमारियों को लेकर के, जिसकी वजह से आज आप डरते हैं। रिपोर्ट्स आपकी ठीक है, कॉन्शियस लेवल पर आप एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि अक्सर आप बीमारियों के डिस्कशन में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं जो अधिकतर समय पर बीमारियों की बातें करते हैं। आप बीमारियों में ही उलझे रहते हैं, बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं, उन्हीं बीमारियों को फील करने लगते हैं और उन्हीं बीमारियों में अपने आप को बीमार देखने लगते हैं। उसी का विजुलाइजेशन आपके अंदर चल जाता है। कोई भी न्यूज़ अब आप देखते हैं टीवी में, सोशल मीडिया में, जहाँ बीमारी की बात होती है, या किसी को आप बीमार देखते हैं या पाते हैं, या बीमार से किसी की मृत्यु आप सुनते हैं, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है। आप उस विजुलाइजेशन में अपने आप को वहाँ हीरो बना लेते हैं, या अपने आप को देखने लगते हैं कि ये सब आप ही के साथ में गुजर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी गलती साथियों आप करते हैं कि इन बीमारियों को आप गूगल पर पढ़ने लगते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च करने लगते हैं, आप इनको इतना पढ़ लेते हैं, उनके बाहरी से बाहरी परिणाम को आप अपने जीवन की हकीकत मानने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर डर लगातार चलता रहता है। आप इन्फॉर्मेशन में घुसकर उसका समाधान चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगा उतना ही आप बाहर आ जाएंगे बीमारियों से, लेकिन बीमारियों के डर में आप इतने घिर जाते हैं, आप चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आप इन्फॉर्मेशन में घुस तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। बीमारियों का डर अब आपको सताता रहता है। इसी की वजह से आपके अंदर बहुत बार एंग्जाइटी, पैनिक अटैक शुरू हो जाता है, और इस डर की वजह से बहुत बार आपको नींद नहीं आती, जबकि अभी शारीरिक लेवल पर कोई बीमारी आपको नहीं है। करना क्या है साथियों? बहुत साफ है, दिखाई देता है। जो गलतियाँ की हैं उनको बंद करना होगा और रिवर्स मेथड पर आपको यहाँ पर काम करना होगा। सबसे पहले आप उस डिस्कशन में इन्वॉल्व होना बंद कर दीजिएगा जो लोग अधिकतर आपसे बीमारियों के बारे में बात करते हैं। वो न्यूज़ आप देखना बंद कर दीजिएगा, आती है तो आप उसे डिस्टेंस से देखिएगा। आप अपने आप को उसमें प्लेस मत करिएगा, आप अपने आप को मत रखिएगा, ताकि आपके अंदर का नेगेटिव विजुलाइजेशन रुक सके। नेक्स्ट साथियों, जब भी आप किसी बीमारी के बारे में सुनते हैं तो आप उसकी गहराई में, मेरा मतलब इन्फॉर्मेशन में मत घुसिएगा। गूगल पर इतना ज़्यादा सर्च मत करिएगा। आप किसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यदि कोई बीमारी महसूस होती है तो आप उसकी जांच करा सकते हैं। हल्का सा सर में दर्द है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्यूमर है। हल्का सा पेट में दर्द है, ज़रूरी नहीं वो कैंसर है। हल्की सी कहीं आपको और कोई परेशानी है तो ज़रूरी नहीं वो जानलेवा है। साथियों, कोई भी डर आपको डराता रहेगा। आप जब तक उसकी रियल नॉलेज नहीं लेंगे, उस इंसान से नहीं मिलेंगे, एक्सपर्ट से नहीं मिलेंगे जो आपके डर को हटा सके। आप अपनी जांच कराएं, जो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट हो डॉक्टर, उससे आप मिलें, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा वो आपके लिए सही है। बाकी अपने आप बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में मत जाइएगा, वरना आप इस डर से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आप एक माहौल ऐसा क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर भी, बाहर भी, आसपास भी, जहाँ पर बीमारियों की ही बातें होती हैं, बीमारियों के बारे में आप बात करते रहते हैं, वही आप पढ़ते रहते हैं, वही आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। उसके बाद में वही आपके अंदर का डिस्कशन हो जाता है, वही आपकी सेल्फ टॉक हो जाती है, वही आपकी इनर चैटिंग हो जाती है, वही फीलिंग्स बीमारी के आपके अंदर जनरेट होने लगती हैं, और ये फीलिंग्स ही हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर चली जाती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स के भाषा को समझता है। अब उसे लगता है कि आप तो इसी दुनिया में रहना चाहते हैं, ये आपको पसंद है। वो उन्हीं बीमारियों को आपके जीवन में अट्रैक्ट भी करने लगेगा, वो फिर आपके जीवन की रियलिटी बनेंगे, आप खुद उन्हें मैनिफेस्ट करने लगेंगे। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको इसको रिवर्स करना है। मैंने बताया कि आप इन्फॉर्मेशन में मत घुसिएगा, आप उस डिस्कशन में मत जाइएगा,
किसी को बीमार देखते हैं तो अपने आप को वहाँ पर विजुलाइज मत करिएगा। सोशल मीडिया पर बीमारियों के बारे में खोज बंद कर दीजिएगा, ये आपका डोमेन नहीं है, आप उन्हें स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपको कोई परेशानी है तो सीधा डायरेक्ट आप डॉक्टर से या एक्सपर्ट से उसकी सलाह लें और अपने आप को फियरलेस बनाएं और अपना सही जीवन जिएं। अब आपके अंदर जो पहले इतने दिनों से डर बैठा हुआ है, फीलिंग्स नेगेटिव हैं, अब आप बार बार अपने आप को उल्टा जब इसका करेंगे तो बीमारियों का डिस्कशन नहीं करेंगे, हेल्थ का डिस्कशन करेंगे। मेरा मतलब स्वास्थ्य का डिस्कशन आपको करना है, बीमारियों को आपको नहीं पढ़ना है, स्वास्थ्य को आपको पढ़ना है। अपने आप को बीमार विजुलाइज नहीं करना है, स्वस्थ विजुलाइज करना है। आप अपने आप को देखिएगा पूरी तरह से, आप स्वस्थ हैं, आप अपने आप को देखिएगा, आप सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। आप अपने आप में अफर्मेशन दीजिएगा, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिएगा। जो आपके अंदर नेगेटिव इनर चैटिंग चलती है, जो सेल्फ टॉक आपकी बीमारियों से भरी हुई है, अब आप उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा। अपने आप को स्वस्थ देखिएगा, अपने आप से बोलिएगा मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं अपना काम बराबर करता हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं निर्भीक हूँ, मैं निडर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लगातार आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर लीजिएगा। ऐसा करने से साथियों क्या होगा, आपकी जब इनर टॉक बदलेगी, सेल्फ टॉक बदलेगी, आपका विजुलाइजेशन पॉजिटिव होगा, आप भी अब हेल्थ के बारे में पढ़ने लगे हैं, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने लगे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस लेवल की फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में स्वास्थ्य को अट्रैक्ट करेगा, कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करेगा, सुंदरता को अट्रैक्ट करेगा। आपका जीवन लंबा होगा, आप सुखी हो जाएंगे, खोई हुई नींद वापस आ जाएगी, एंग्जाइटी, डर, चिंता, घबराहट आपकी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने बाहर का एनवायरनमेंट बदला, आपने अंदर का एनवायरनमेंट बदला, जिससे आपके फीलिंग्स इमोशंस चेंज होंगे, वही सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर के एब्जॉर्ब होंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब स्वस्थ रहने की बात करेगा, उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट करेगा, उसी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करेगा, उन्हीं लोगों से कनेक्ट करेगा। आपके अंदर पॉजिटिव रासायनिक परिवर्तन चलते रहेंगे, नेगेटिव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन सब रिलीज नहीं होंगे, अब आप एक स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों बहुत बार हम बीमारियों के बारे में सुनते हैं, वायरस के बारे में सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, बीमारियों को पढ़ते हैं। यदि ज़रूरी है कहीं पर सुनना, देखना, पढ़ना पड़ जाए तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करें, फील करें कि एक डिवाइन लाइट है, वो आपको पूरी तरह से कवर किए हुए है चारों तरफ से, वो एक प्रोटेक्शन आपको दिए हुए है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। इस फीलिंग में, इस एहसास में, इस विजुलाइजेशन में बार बार अपने आप को देखिएगा, बाहर की बीमारियां आपको अटैक नहीं कर पाएंगी। आप साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को स्वस्थ देखना शुरू कर दीजिएगा, तब महसूस करें कि आप उस डिवाइन लाइट से, उस डिवाइन बबल से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, वो आपको कवर किए हुए है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसा करने से साथियों साइकोलॉजिकल लेवल पर जो इश्यूज आपने क्रिएट किए हैं उनको साइकोलॉजिकल लेवल पर ही गिराने के लिए कुछ एक सीधे सच्ची टेक्निक या तरीके आपको लगानी होंगी। कोई बड़ी दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जीवन का खोया हुआ सुकून, शांति, सुख, चैन वापस आ जाएगा, आपका जीवन बदलेगा। साथियों यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग आप अनजाने में अपनी कर चुके हैं, आपको डर लगता रहता है, आपके अंदर एंग्जाइटी बनी रहती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में आप रहने लगे हैं, दवाइयाँ आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं, तो इसके लिए आप हमारे 21 डे ऑनलाइन इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं। ये हर दिन अनेक लोगों के जीवन को बदलता है, तो जब उनके जीवन बदलते हैं तो अपने पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे भेजते हैं। मैं चाहता हूँ यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो इस प्रोग्राम को एक्सपीरियंस ज़रूर करें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कर उसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।